गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मजे में होंगे। सो गाइस, फाइनली हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया और हम निकल गए मीना से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, रुकी है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जो कि एक बहुत ही सुंदर सिटी है राजस्थान में, और जो कि यहाँ से जिस 51 किलोमीटर दूर है, हमें ऑलमोस्ट 1 to 2 hours लगने वाले हैं पहुंचने में। चित्तौड़गढ़ फेमस है अपने फोर्ट्स के लिए, अपने हिस्ट्री के लिए, और कुछ साल पहले ये और फेमस हुआ था बिकॉज मूवी आई थी, तो ये मूवी जो चित्तौड़गढ़ पे बनी थी उससे भी बहुत फेमस हुआ था। सो आज हम जा रहे हैं वहां पे और आपको दिखाएंगे चित्तौड़गढ़ के फोर्ट्स और वहाँ की हिस्ट्री को थोड़ा बताएंगे। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत एपिक होने वाला है। सो आज का ब्लॉग पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, और जो भी नए जुड़े मेरे साथ उनको बता दूं कि हम अपनी कार लेके निकले हुए हैं चंडीगढ़ से कन्याकुमारी, जिसे हमें पहुंचने में 20 से ऊपर दिन लगेंगे। ऑलमोस्ट हम 8 स्टेट्स और 6000 किलोमीटर कवर करेंगे। सो ये रोड ट्रिप बहुत एपिक होने वाला है, सो एंड तक बने रहिए। और जो भी नए जुड़े हैं गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सो आइए करते हैं स्टार्ट आज का ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़, जो कि भानगढ़ से 380 किलोमीटर दूर था। और अभी तक हमने चंडीगढ़ से जो हमारा टोटल है वो 951 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, मतलब चंडीगढ़ से यहाँ तक 951 किलोमीटर था। और अब हम चित्तौड़गढ़ के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये देखिए, मेरे लेफ्ट साइड में आप वीडियो में देख पा रहे हैं, मार्केट है, ये मार्केट एरिया है। और हम यहाँ से जा रहे हैं पहले चित्तौड़गढ़ फोर्ट। और चित्तौड़गढ़ गाइस बहुत ही पुरानी सिटी है, लाइक बहुत पुराना है, इसकी हिस्ट्री बहुत है, जो कि मैं आपको आगे फोर्ट पे जाके बताऊंगा हिस्ट्री प्रॉपरली। फ्रेंड्स, फाइनली हम आ गए चित्तौड़गढ़ फोर्ट के एंट्रेंस गेट पे। देखिए, जो सामने देख पा रहे हैं, ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट का एंट्रेंस गेट है। इस तरह के टोटल 7 गेट्स हैं फोर्ट तक पहुंचने के, और जिनमें से कि जो एक गेट है वो 5th सेंचुरी में बना था, तो बाकी वो 15th सेंचुरी बने थे। और रामपोल जो गेट है वो इनका मेन गेट है इस फोर्ट एंट्रेंस का। और ये गेट इस तरह से बनाए गए हैं कि ताकि कोई भी इन पे अटैक ना कर पाए। फुल इस गेट पे सिक्योरिटी दी थी। देखिए, मेरे लेफ्ट में जो वॉल जा रही है, यहाँ पे उस टाइम पूरी आर्मी रहती थी, तो ताकि कोई भी इन पे अटैक ना कर पाए, इस तरफ से पूरी सिक्योर रखते इस तरफ से। और टोटल 7 गेट है जिनके नाम है पदन पोल, भैरन पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोधा पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल, जो इनका मेन गेट है। और राम पोल जो है वो लॉर्ड रामा के नाम पे डाला गया एक्चुअली। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट।
और इस टाइम चित्तौड़गढ़ फोर्ट के एंट्रेंस पे है, और यहाँ तक हमें पहुँचने में लाइक 7 डोर्स क्रॉस करने पड़े। और गाइज इसकी टिकट ऑनलाइन भी मिलती है और मैनुअली भी मिलती है। हमने ऑनलाइन टिकट बुक की है यहाँ के, क्योंकि मैनुअली काफ़ी क्राउड था, काफ़ी लाइन लगी हुई थी, तो ऑनलाइन जाके हमें ये पर टिकट 35 रुपीज़ की पड़ी है। और आप गाइज देखिए पीछे मेरे बैक साइड देखिए, पूरा चित्तौड़गढ़ है, हम बहुत हाइट पे खड़े हैं। सो गाइज तब तक आप व्यू एंजॉय कीजिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट से। सो फ्रेंड्स इस टाइम पे हम चित्तौड़गढ़ के अंदर, और अब जो हमने पहला स्टॉप ये हमारा ये है कुंभा पैलेस, तो मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये यहाँ से एंट्रेंस है इसकी, और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ कुंभा महल के बारे में। जो कुंभा महल था, जो कि महाराणा कुंभा थे, 1433 से 68 तक जो थे, उन्होंने इसमें कुछ सेवरल एडिशन किए थे। और ये जो सारा महल है ये दिखाता आर्किटेक्चर राजपूत डायनेस्टी की। और यहाँ पे दो गेट है, ट्राइपोला और एक ईस्ट बड़ी पोल्स है। फ्रेंड्स फाइनली हम मैं पैलेस के अंदर, आपने पैलेस राइट लेफ्ट देखी, काफी अच्छा पैलेस, काफी सुंदर पैलेस है ये। और मैं आपको गाइस इस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट की हिस्ट्री का बताना चाहूंगा। चित्तौड़गढ़ जो है वो 725 एडी में बनाया गया था चित्रंगड़ा मौर्य द्वारा, और देन उसके बाद इस पर काफ़ी किंग्स ने रूलर रूल किया, मुगल्स ने रूल किया, उसके बाद फिर हिंदू डायनेस्टी ने रूल किया, तो काफ़ी हिस्ट्री, लंबी हिस्ट्री है इसकी। और इसकी जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट की हाइट है वो 180 मीटर हाइट है, जो हिल पे है 180 मीटर। चित्तौड़गढ़ फोर्ट काफ़ी लंबा है, 13 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और अभी हम फर्स्ट पैलेस में हैं, अपने कुंभा पैलेस में हैं, और आपको मैं कुंभा पैलेस दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। पैलेस के अंदर आ चुके हैं, काफ़ी अंदर आ चुके हैं, और हम आगे जा रहे हैं। और ये देखिए गाइस, ये उस टाइम पे सुरंग रही होगी, देखिए दिखाता हूँ आपको। अभी फ़िलहाल बंद की हुई है, क्योंकि काफ़ी लोग अंदर जाते हैं, तो इसलिए बंद की हुई है गवर्नमेंट द्वारा। बट ये उस टाइम पे जब ये रूल्स यहाँ पे रूलर करते थे, तो तब की ये सुरंग है यहाँ पे। फ्रेंड्स इस टाइम हम कुंभा पैलेस से बाहर आ गए हैं। आपने देखा कुंभा पैलेस के अंदर का व्यू, काफी बड़ा पैलेस था, और इमेजिन कीजिए उस टाइम पे कितना सुंदर रहा होगा पैलेस। और अभी भी इसकी मेंटेनेंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा की जा रही है। फ्रेंड्स इस टाइम पे है हम कुंभ स्वामी टेम्पल के अंदर, या मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये वो टेम्पल है, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर टेम्पल है। और इस टेम्पल की जो छत है वो पिरामिड शेप की बनाई हुई है, और टोटली ये 12 पिलर्स पे खड़ा है ये टेम्पल सारा। सो गाइस अब मैं आपको आगे इस टेम्पल को दिखाता हूँ। इस टेम्पल बहुत ही अच्छी अच्छी कलाकृति की गई है दीवारों पर। और ये टेम्पल जो है उस टाइम पर जो किंग थे, किंग कुंभा, उन्होंने बनाया था ये टेम्पल 725 एडी में। तो फ्रेंड्स ये वो दीवार पे जो चित्रकारी है इसकी मैं बात कर रहा था, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये उसी टाइम की हुई है जब से ये टेम्पल बना हुआ है। और ये देखिए ये मेन टेम्पल है, बिग टेम्पल है, उसके साथ में आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए छोटे, ये छोटे टेम्पल है साथ में, ये देखिए ये छोटे टेम्पल है। और ये हवा कुंड वगैरह यहाँ पे, यहाँ पूजा होती थी, कुंड हवा होती थी, ये वो चीज़ें हैं। सो अब आपको हम टेम्पल के अंदर लेके चलते हैं, आ रही है। फ्रेंड्स इस टाइम टेम्पल से बाहर आ गए और हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और टेम्पल के अंदर का वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि अंदर अलाउ नहीं है, और हम नहीं चाहते हम कुछ ऐसे गलत काम करें। जब गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं कि अंदर कैमरे अलाउ नहीं थे, तो हम नहीं चाहते कि हम जाके अंदर शूटिंग करें, तो इसलिए हम अंदर का आपको पार्ट नहीं दिखा पाए। बाकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं आपको। सो और यहाँ पे गाइस
गर्मी बहुत है यहाँ पे गाइस, बहुत टेम्परेचर इस टाइम 36 चल रहा है यहाँ पे, और हवा भी चल नहीं रही है बिल्कुल, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन में। ओके फ्रेंड्स, इस टाइम हम खड़े हैं विजय स्तंभ के आगे, जो मेरे बैक साइड देख पा रहे हैं विजय स्तंभ है। ये 37 मीटर इसकी हाइट है और ये इसके अंदर 9 फ्लोर है, और जो इसकी दीवारों पे जो कलाकृति है वो गॉड और गॉडेस की बनाई गई है। और इसकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताऊं, ये महाराजा कुंभा ने इसको बनाया था जब उन्होंने सुल्तान ऑफ मालवा पे जब विक्ट्री की थी उन्होंने द्वारा, इस कैप्चर को रिकैप्चर किया था द्वारा फोर्ट को, तब ये बनाया गया था। और देखिए गाइस कितना सुंदर है ये। तो फ्रेंड, जो मेरे पीछे ये जोर स्थल है, ये वही फेमस जोर स्थल है। यहाँ पे महारानी पद्मावती और चित्तौड़गढ़ की बाकी औरतों ने अपनी डायनेस्टी को बचाने के लिए, अपने गौरव को बचाने के लिए आग में प्रवेश कर गई थी, इसलिए इसको जोर स्थल बनाता है। बहुत फेमस जगह है ये। तो फ्रेंड, इस टाइम हम हैं गोमुख कुंड में, और ये मेरे बैक साइड दिख रहा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये गोमुख कुंड है। गोमुख का मीन काउ माउथ और कुंड का मीन टैंक। ये एक टाइम से वाटर रिजर्वियर है, और ये जो पानी है एक काउ फेस की वहाँ से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, तो फ्रेंड्स हमने अभी यहाँ से विजय स्तंभ देख लिया, और गोमुख कुंड देखा, और जवाहर स्थान देखा, और हमने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दी इस जगह के बारे में। और अब हम आगे जा रहे हैं पद्मावती पैलेस पे, और आपको वहाँ के पैलेस के बारे में बताएंगे, आपको अंदर से दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे पद्मावती पैलेस में जाके। सो फ्रेंड्स, इस टाइम हमें चित्तौड़गढ़ के सबसे मेन पैलेस में, जो है कि पद्मावती पैलेस, जो कि बहुत फेमस पैलेस है, जो कि आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। पद्मावती पैलेस का जो नाम पड़ा था वो पद्मिनी जो रानी थी यहाँ की, उनके नाम पर पड़ा था, जो कि बहुत सुंदर थी। और यहाँ पे जो एक लेक है जल, जिसके बीच में चार मंजिल मीनार है, वहाँ पे वो रहते थे, इसलिए उसका नाम भी पड़ा, जल महल पड़ा था। बाकी मैं आपको पद्मावती महल अंदर दिखाता हूँ, आज ही मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, इस टाइम पद्मावती पैलेस के अंदर है, और यहाँ पे ये जो रूम्स हैं, ये यहाँ पे उनके सर्वेंट्स, महारानी जो सर्वेंट्स होते थे, प्रमुख जो उनके होते थे सर्वेंट्स, वहाँ उनका रूम है। मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये उनके रूम्स थे उस टाइम रहते थे। ये विंडो थी, यहाँ से हवा क्रॉस होती थी, रोशनी भी यहीं से आती थी। और इसके बैक साइड में जो जल महल है वहाँ पे, जहाँ पे रानी पद्मावती रहती थी। और वहां से खिलजी ने फर्स्ट टाइम देखा था पद्मावती को, और उसके बाद ही पद्मावती के पीछे जो लड़ाई हुई थी वो आपको पता ही है। बाकी ये जगह देखिए कितनी सुंदर है, अभी तो पानी काफी सूख गया हुआ, अभी काफी पानी था इधर, इसलिए इसको जल महल बोलता है, क्योंकि पानी को ये चार मंजिल है, जल महल चार मंजिल का बना हुआ है।
गाइस बहुत ही सुंदर रहा होगा उस टाइम पे, इमेजिन कीजिए कितना सुंदर होगा, आसपास पानी रहेगा। फ्रेंड्स इस टाइम हम आ चुके हैं महाराजा रतन सिंह के पैलेस में। ये मेरे बैक साइड में दिख रहे महाराजा रतन सिंह का पैलेस है। ये इस तरफ टेंपल है और इसके उस तरफ तालाब है, कुंड जिसे बोलते हैं हम वो है। और ये द्वितीय महाराजा रतन सिंह द्वितीय ने बनवाया था ये किला अपने लिए, पैलेस जो है अपने लिए बनवाया था। आइए मैं आपको उसको अंदर दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स इस टाइम हम महाराजा रतन सिंह के पैलेस के अंदर है और ये बैक साइड में वो कुंड है जिसे तालाब बोलते हैं, जो मैंने बताया था पहले भी। ये देखिए और ये बहुत सुंदर है और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह थी यहाँ पे राजा महाराजा, यहाँ पे जो उनकी रानियां आती थी यहाँ बैठती थी और वहां पे ऊपर राजा जो महाराजा सिंह राजा थे वहां बैठते थे। वो देखिए ऊपर, और यहाँ पे मैं दरबार लगता था यहाँ पे। आइए मैं ऊपर से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये वो जगह थी यहाँ पे महाराज बैठते थे। ये देखिए और यहाँ पे उनका दरबार लगता था और यहाँ पे पीछे जो मैंने ये दिखाया ये महारानियों की बैठती थी यहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छा सुंदर महल था पहले, पर काफ़ी बार इस पर अटैक हुए तो अब इसकी हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। पर अभी भी इसको रिज़र्व रखा गया गवर्नमेंट द्वारा सैलानियों के लिए जितने आते हैं। और ये बैक साइड में आपको दिखाया मैंने मंदिर, उस टाइम का प्राचीन मंदिर है ये, जब से ये महल बना हुआ है पैलेस बना हुआ है तब का मंदिर है ये। तो फ्रेंड्स आपने देखा अभी महाराजा रतन सिंह का पैलेस, और अब हम यहाँ से निकल के हम जा रहे हैं नीचे सिटी में, क्योंकि हमने अभी होटल भी लेना है, हमने होटल अभी लिया नहीं है। तो हम होटल ढूंढ के चेकिंग करके फिर आपसे मिलते हैं दोबारा। सो आई होप आपको मेरी ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आई है वीडियोज़ तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो उतना शेयर कीजिए। सो गाइज मिलते हैं आपको होटल में जाके। तो फ्रेंड्स अब हमने होटल का रूम ले लिया और होटल का नाम है प्राइड ऑफ चित्तौड़, बहुत अच्छा होटल है। नीचे विशाल मार्ट है उसके ऊपर ही होटल है, और अच्छा हमें नीचे सामान भी रखा था तो हमें वी मार्ट भी मिल गया नीचे। सो अब हम होटल में जा रहे हैं और आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स इस टाइम हम हैं होटल प्राइड ऑफ चित्तौड़ में, और ये काफ़ी अच्छा होटल है और इस टाइम रिसेप्शन पे है। और यहाँ पे हमने जो रूम अपना बुक किया है बहुत रीजनेबल प्राइस है इनके, हमने 2200 दिए फॉर 2 पर्सन। एसी रूम है, डिलक्स रूम है एक नाइट का, और इसमें हमारा डिनर कॉम्प्लीमेंट्री था। सो बहुत ही बेस्ट प्राइस है इसका। और जब भी आप अभी आकर चित्तौड़गढ़ आते हैं तो सबसे बेस्ट होटल है यहाँ पे रहने के लिए। तो मैं आपको यहाँ का रूम टूर भी करवाता हूँ, रूम भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड इस टाइम अपने रूम के सामने है और रूम नंबर P10, और ये उसी की है।
और मैं आपको रूम टूर भी करवाता हूँ भाई। इलेक्ट्रॉनिक की है रूम की, और ये देखिए रूम गाइस, बहुत ही प्यारा रूम है और बहुत अच्छा रूम है, डिलक्स एसी रूम है ये। यहाँ पे खाना खाने के लिए टेबल दिया हुआ है, दो चेयर दिए, साथ में स्मॉल स्टडी टेबल दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे प्रॉपर मीरा दी हुई है अपने कपड़े टांगने के लिए, और यहाँ पे डबल बेड है प्रॉपर, और यहाँ पे एलईडी भी दी हुई है, और गाइस ये मिरर दिया हुआ है तैयार होने के लिए यहाँ पे। और यहाँ पे आपको वॉशरूम दिखाता हूँ, ये देखिए गाइस वॉशरूम भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, बहुत नीट एंड क्लीन वॉशरूम है। सो अगर आप आते हैं चित्तौड़गढ़ में तो मैं प्रेफर करता हूँ आप यही होटल बुक कीजिए, होटल का नाम है द पैड ऑफ चित्तौड़। सो फ्रेंड्स इस टाइम फर्स्ट फ्लोर पर जा रहे हैं, यहाँ से हमें ग्रॉसरी सामान सारा टॉयज वगैरह मिल जाएंगे, भी के लिए टॉयज भी लेने हमने। सो उसके बाद सेकेंड फ्लोर पर हमारे खाने पीने का सामान है, तो अब देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। ये तो बच्चों का है ना सारा, टॉयज है, टॉयज वगैरह है यहाँ पे, टॉयज टॉयज है ना पीछे बैक से, ठीक है। सो अभी यहाँ से टॉय परचेज कर लेंगे। सो काफ़ी बड़ा मॉल है ये रहे टॉयज। सो गाइस ये टॉय सेक्शन ये देखिए मेरे पीछे सारा टॉय सेक्शन है ये। सो यहाँ से भीड़ के लिए कुछ टॉय परचेज करेंगे, क्या लें इसके लिए, ये देखिए फ्रेंड्स सारे टॉयज हैं, और अब भीड़ के लिए यहाँ से शॉपिंग करेंगे हम, और उसके बाद फिर अपना स्नैक्स वगैरह कुछ ले लेंगे हम, है ना। ये देखिए बहुत बड़ा मॉल है, क्या लेना उसके लिए, फुटबॉल ले ले या कार, कार ही पसंद आता जिसे, है ना, है मैजिक पेन। सो निखिल बोल रहा है कुछ मैजिक पेन वगैरह लेते हैं, तो वही देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता कुछ है। ये क्या है पोस्टर कलर, मैजिक पेन तो कुछ भी नहीं है, मोल्डिंग क्ले ले लें, क्ले ले लें, क्ले है ना, ये देख है ना ये, ठीक है। सो गाइस हम सोच रहे हैं ये ले ले, क्ले ले ले अभी के लिए, मॉडलिंग के लिए है। डी क्या कह रहा है, डी के लिए, ओ हाँ। सो उसे हर चीज ही पसंद है, तो देखते हैं उसके लिए क्या लेते हैं। सो क्ले बेस्ट रहेगा यहाँ से, चित्तौड़ से क्ले लेते हैं, टॉय तो आगे बहुत अभी ट्रिप है हमारा, हम आगे से टॉयज भी ले लेंगे, है ना ये, ठीक है ठीक। सो हमने अभी के लिए ये लिया है मोल्डिंग क्ले, इसको खेलता है वहाँ पे, बाकी देख लेते हैं क्या मिलता है उसके लिए। और बैट बॉल तो उसके पास है ना, बैट बॉल तो है उसके पास, बस ये आई थिंक क्ले लेते हैं ना, क्ले लेते हैं उसके लिए। तो अपना सामान ले लें, ये क्या है, ये प्राइस क्या है, अरे प्लास्टिक बड़ी हल्की है ये, पकड़िए ये प्लास्टिक बड़ी हल्की है, देखिए 150 की है ना, कार लेके खुश हो जाएगा वो, 100 भी ये दोनों ले रहे। सो फ्रेंड्स हमने अब सोचा कि हम इसके भीड़ के लिए कार भी ले लेते हैं, और हमने क्ले भी ले लिया। सो अब हम निकलते हैं, कुछ और यहाँ पे ट्रेवलिंग बैग पड़े हुए हैं देखने, कुछ है ठीक है रिक्वायरमेंट इसकी, वो वाला काम नहीं आएगा जो इधर उड़ा, हमें छोटा बड़ा होगा, ये देख ले खोल के देख, सो फ्रेंड्स हम ये पाउच देख रहे हैं क्योंकि हमारे ट्रैवलिंग के काम आएगा, और इसके प्राइस भी मैं बताता हूँ आपको, 200 रुपीज प्राइस है इसका, MRP बहुत ओके प्राइस है, आ जाएगा सामान सारा खुला। सो आज हम ये ले लेते हैं, ये ले कोई 200 पीस ले रहे हैं। सो हम ट्रैवलिंग पाउच ले रहे हैं ताकि ये हमारे आगे काम आएगा, अभी हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना है, कन्याकुमारी ट्रैवल करना है। सो हम एक ये ट्रैवल पाउच लिया जिप्रा बस की, ठीक है चेक कर ले चलो, ठीक है कलर ये की है ना, कलर ये की है, चल ले ले ठीक है चल। सो अब यहाँ से
सैंडोस वगैरह देखने कुछ। ये ऐसी लग रही है मुझे ना, देखियो। ठीक है ना, साइज है मेरा, मेरा डबल एक्सल आएगा। सो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सैंडो, मैं वो दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए ये सैंडो हम जो देख रहे हैं, सीधा सैंडो देख रहे हैं। सो कपड़े तो काफ़ी चीप है यहाँ पे, सस्ते हैं। ठीक है, वन टाइम। हाँ कलर अच्छा है, साइज क्या है, हल्का आएगा मेरे, नहीं आएगी यार, एल नहीं आएगी। ये वाली ये है 100 वाली, ये पूरे 30। सो गाइस हमारा साइज नहीं मिला, साइज एम और एल थे सिर्फ। सो गाइस जो हमें चाहिए वो तो मिलेगा, अभी का सामान जरूर मिल गया, पर जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा अभी तक। सो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं बिलिंग सेक्शन की ओर, हम बिल करवा के अपने होटल में जाके, हमें बहुत भूख लग रही है, होटल जाके फिर हम ऑर्डर करेंगे खाना, उसके बाद खाएंगे और उसकी बिलिंग करवाते हैं हम। डिस्काउंट देख रहे हैं यहाँ पे डिस्काउंट, और वी मार्ट काफ़ी सस्ता है, काफ़ी सस्ता मिला हमें, इतना ज़्यादा प्राइस नहीं है। कई आइटम है, एक पैक फ्री है, चिप्स एक पैक फ्री है, और हमने यहाँ पे तीन चार चिप्स के पैकेट, दो एक यम टू यम ले लिया और एक बिकाजी वाला ले लिया चिप्स, क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री था एक पे। सो फ्रेंड्स अब हम निकल गए हैं वी मार्ट से और हम जा रहे हैं होटल की ओर। हमने काफ़ी शॉपिंग कर ली, देखिए चिप्स बैग इतना बड़ा दिया कि उसमें सामान नहीं आ रहा था। मैं आपको बैग भी दिखाता हूँ एक बार, 16 रुपये का बैग है ये, एक बैग कैरी बैग के पैसे चार्ज कर रहे हैं, 60 रुपीज़ का कैरी बैग है और उसमें सामान सारा नहीं आया, देखो सामान हमें हाथ में उठाना पड़ रहा है। सो बट चलो ठीक है, ओके, रेट ठीक थे, जेन्युइन थे काफ़ी उसे। अब हम जा रहे हैं होटल की ओर अपने, और अंधेरा हो गया बाहर काफ़ी, ये देखिए मेरे बैग से देखिए अंधेरा हो गया सारा काफ़ी। और जो नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, हम इस टाइम पे चित्तौड़गढ़ में हैं और हम होटल प्राइड ऑफ चित्तौड़ में रुके हुए हैं इस टाइम पे। और रात हम इस ब्लॉग में हमने मॉर्निंग में ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट दिखाए, वहाँ की हिस्ट्री में बताया, और हम जाएंगे होटल रूम में और फिर हम कुछ डिनर करते हैं, देन आपसे मिलते हैं। सो फ्रेंड्स हम रूम में आ गए हैं और अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम डिनर कहाँ करें, नीचे करें कि ऊपर करें, क्योंकि यहाँ पे रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी है। सो रूम पे करना, क्योंकि थके भी काफ़ी, हमारा मन नहीं करो ऊपर जाके, क्योंकि ऊपर एसी भी होगा इस टाइम पे, तो बहुत गर्मी भी यहाँ पे रूमर्स बहुत है। सो हम ट्राई बना के हम रूम में कर लें। आप आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो उतना शेयर कीजिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय और गुड नाइट, टेक केयर।